देखो पानी किसी किसी बुक में है ना, ये दो नंबर का सवाल जो है 100 से स्टार्ट है, 120 से चला है, 100 से 120, 120 से 140 तक चला है, ठीक ना। इस तरीका चलते चलते चला है किसी किसी बुक में, 100 से 120 से लेकर चला है, 180 से 200 तक चला है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक ना। और किसी किसी बुक में लिखा गया है 14.1 का सवाल जो है दो नंबर, किसी किसी बुक में 500 से चला है और 520 यानी 20-20 का बढ़ोतरी है, तो कहाँ तक चला, 580 लास्ट है 600 तक चला है, 600 तक आप लोग देख सकते हैं। वीडियो कैमरा लॉन्च कर दिया है, आप लोग देखिए जरा, ठीक ना। और इसमें भी कह रहा है श्रमिक यानी मजदूरों की कह रहा है, वही बात कह रहा है जो पिछले वीडियो में हमने बना कर दिए, दो नंबर का सवाल और एक नंबर का सवाल एक ही वीडियो में है, तो वही चीज का रहा है। इसमें भी निकालने के लिए मादे का रहा, निकालने के लिए तो मादे निकालना पड़ेगा। हल कर का हल किया है तो दैनिक मजदूरों की संख्या रुपयों में 500 से 520, इसी तरीका 20-20 बढ़ते क्रम गया, यानी 20-20 संख्या क्या कर क्या किया गया, बढ़ाते गया है और बढ़ाते बढ़ाते 600 तक लास्ट किया गया, 600 तक। अब इसमें क्या ना, 500 और 520 को जोड़ने पर हो जाता है 1020, बट 1020 होता है, 500 और 520, तो 1020 हो जाता है। अब इसको आधा करना है, अब आधे करने के लिए यहाँ वर्ग चिन्ह और सिग्मा एफ यानी एफ एक्स लिख देना है। अब यहाँ पे इसको आधे करना यानी 1020 का आधे करना है, आधे करने पर यानी 2 से भाग लगा देंगे, किसी भी संख्या में अगर आधे करना है उसको आधा यानी 2 से भाग लगा देंगे तो आधे हो जाएगा, ठीक ना। मान कर चलो अगर कोनो चीज लगाएंगे, अगर मान चलो 1,00,000 है, अगर 1,00,000 रुपया है वो 1,00,000 में अगर ये बटे 2 से भागा लगा दिया जाए तो कितना चलाएगा, 50,000 चलाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए इस सबको आधे करेंगे तो आधे करने पर कितना आ गया, 510, तो 510 लिख चुके हैं। 520 और 554 को जोड़ने पर कितना, 1060, 1060 पे 2 से भाग लगा दे 530, तो 530। इसी प्रकार फिर इसको 540 और 560 यानी 540 560 को जोड़ने पर एक चला था 1100, 1100 का आधा करने पर 550, तो 550। उसके बाद 560 और 580 इसको भी आधे करेंगे, जोड़कर आधे कर लेना है, जोड़कर आधे करने पर, आधे करने पर कितना चलाएगा, फिर इसको 1100, इसको पहले जोड़ने पर 1140, इसको भी कटाने पर 570 चलाएगा, तो यहाँ पर लिख चुके हैं 570। उसके बाद है 580 और 600 जोड़ने पर आ जाता है 1180, इसको भी आधे करने पर 590 आ जाता है, और यहाँ पे लिख चुके हैं 590। अब क्या करना, जितना भी इसको सिग्मा एफ का लाया जोड़ने पर 50 चलाएगा, एफ एक्स जो है सबको जोड़, अभी क्या यानी 6120 आया कैसे, अब 6120 12 है, 12 गुना 510, 510 इसको गुना कर लेना है, गुना करने के बाद कितना चलाएगा 6120, 14 गुना 530 कितनी आ जाएगा 7420, 8 गुना 550 चलाएगा 4400, 6 गुना 570 गुना करने पर 3420, 10 गुना 590 गुना करने पर 5900 आ जाएगा। इस सब को जोड़ने पर चलाएगा सिग्मा एफ एक्स का लाएगा तो 27260 चलाएगा, और सिग्मा एफ चलाएगा 50 चलाएगा, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स कितना है 27260 ऊपर आ जाएगा, और सिग्मा एफ कह रहा है कितना है 50 है, तो 50 है नीचे कटाने पर यानी 50 से भाग इसको लगाएंगे 545.20 आ जाएगा, आंसर चलाएगा। ये दो नंबर का सवाल था।